हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक रेसिपी जो है मसालेदार कुरकुरे भिंडी, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो देखिए किस तरह से बनती है ये। तो सबसे पहले भिंडी बनाने के लिए मैंने गैस पर रखी है कढ़ाई और उसमें डाला है सरसों का तेल, और तेल डाल के उसमें मैंने भिंडी डाल दी है। और अब हम इन भिंडी को फ्राई कर लेंगे। और भिंडी को हमें इस तरह से फ्राई करना है, एक तो गोल्डन ब्राउन हो जाएं और दूसरा वो मतलब फ्राई होने में ही बिल्कुल पक जाती है भिंडी। तो देख लीजिए आप किस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने दोबारा से इसमें भिंडी डाल दी है जो कि बची हुई थी, और मेरी कढ़ाई छोटी है तो इस वजह से मुझे दो बार में भूननी पड़ी है। आप चाहे तो एक बार में भी भून सकते हैं। और देखिए यहाँ मेरी भिंडी दोनों बार की भून चुकी हैं, और अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो देखिए किस तरह से तड़का लगाना है भिंडी में। तो तड़का लगाने के लिए मैंने जिस कढ़ाई में भिंडी भुनी थी उसी में ही थोड़ा सा तेल और डाल दिया है, और उसमें डाल दिया है जीरा, और जीरे के बाद डाल दी है मोटी मोटी कटी हुई प्याज। और अब इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी हींग, और हींग के बाद डाल दूंगी मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें मैंने रख रखी हैं वो। और अब इन सब चीज़ों को मैं साथ ही भून लूंगी। और जब ये भुन जाएंगी, भुनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी देगी मिर्च कलर के लिए। और हो सके तो सब्जी को लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने से सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए प्याज वगैरह भुन चुकी है मेरी, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं दो पिसे हुए टमाटर। और टमाटर डालने के बाद अब इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। और अब डाल देने हैं इसमें बेसिक मसाले जो कि हैं हल्दी, धनिया, नमक और हल्की सी मिर्च। मिर्च कम डालनी है क्योंकि हरी मिर्चें भी डाल दी थी और कलर वाली मिर्च भी डाल दी थी, तो इसलिए हल्की ही मिर्च डालनी है। और ये सब मसाले ऐड करने के बाद अब इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ देखिए मसाले मेरे भुन चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, और अब मैंने इसमें ऐड कर दी है भिंडी, और भिंडी को इनमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और यहाँ पे सब्जी लगभग हमारी कुल 5 मिनट लेगी, क्योंकि हमारी भिंडी वगैरह भुनने में ही गल चुकी थी, तो ज़्यादा हमें भिंडी गलाने की ज़रूरत नहीं है और हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है, और अब इसमें ऐड कर देना है हमें नींबू। तो आप नींबू की जगह मतलब इसमें डाल सकते हैं, छाछ डाल सकते हैं, या फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नींबू था तो मैंने इसमें नींबू ही डाला था। तो देखिए हमारी सब्ज़ी हो गई है तैयार, और अभी सर्व होने के बाद देखिए कैसी लगेगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी बनती है ऐसे, और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। एक बार आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह से सब्ज़ी बनाने का। और इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।